तो आप भी जानना चाहते हैं, मेरे पास रियलमी का फोन है और मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने की है वो कॉल रिकॉर्डिंग में फाइल में सेव करना चाहता हूं, तो आप कैसे करेंगे रियलमी के स्मार्टफोन में, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और आपके पास रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन है और आप इजीली तरीके से उसे सेव कर लें कॉल रिकॉर्डिंग में। जैसे कि ज़्यादातर न्यू स्मार्टफोन है उनमें आपको गूगल का डायलर मिलता है देखने के लिए, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग आपकी होती है लेकिन आप वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन उसे सेव करने का तरीका आपको नहीं पता है। तो आप कैसे सेव करेंगे बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। जैसे कि वीडियो को अभी से लाइक शेयर नहीं किया है तो कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा देना है। और यहाँ सिंपल से अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप जिस भी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग किए होंगे इस तरीके से उसका लोगो होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, बस उसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी इसमें आपको मिल जाएगी इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं लिसन टू रिकॉर्डिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा दूर करके, ये आप देख पा रहे हैं ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से तो यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ये आप देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन मिलता है। शेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे। आप व्हाट्सअप को चूज़ करेंगे, व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे। अब आपको किसी एक नंबर पे भेजनी है ठीक है, या अपना ही नंबर यहाँ पे रख लीजिए कोई ठीक है इस तरीके से, और यहाँ पे आप इस तरीके से सेंड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखो मैंने सेंड कर दी है, तो अभी आप देखेंगे इस तरीके से जैसे मैंने सेंड कर दी है ठीक है। अब ये है यहाँ पे सेंड हो गई, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बैक जाऊँगा। अब आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर आपको जाना है फ़ोन स्टोरेज में, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 11 में अपडेट है तब तो आपको एंड्रॉयड में जाना है, अगर आपका एंड्रॉयड 11 में अपडेट नहीं है तो व्हाट्सअप का आपको यही फोल्डर मिल जाएगा कहीं ना कहीं ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप मीडिया में जाके और आपको व्हाट्सअप ऑडियो में जाना है, वहाँ पे आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ठीक है। तो आपको सिंपल से अगर आपका एंड्रॉयड में 11 में अपडेट हो गया तो आपको एंड्रॉयड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ पर कॉम डॉट व्हाट्सअप में जाना है, फिर व्हाट्सअप के अंदर जाना है, फिर जाना है मीडिया के अंदर, फिर आपको जाना है व्हाट्सअप ऑडियो में, व्हाट्सअप ऑडियो में जाएंगे, यहाँ सेंड पे क्लिक करना है। ये देखो कॉल रिकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगी ठीक है। अब आपको इस पर कॉपी करना है और यहाँ पे कॉपी या मूव कर लेंगे, मूव कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया था पहले से, ये देखो कॉल रिकॉर्डिंग, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पर, और यहाँ पर आपको लिख देना है कॉल रिकॉर्डिंग ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ ठीक है इस तरीके से। अब आपको सिंपल से इसी ऐप पे क्लिक करना है, फोल्डर पे क्लिक करना है और इसे मूव टू गियर कर देना है ठीक है। अब आप यहाँ से बैक जाएंगे, जैसे कि मैं बैक जा रहा हूँ, आप थोड़ा बैक जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ वहीं पर ठीक है। तो कॉल रिकॉर्डिंग पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से सीधा सुन सकते हैं ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो बिल्कुल आसान तरीका है अपने रियलमी के स्मार्टफोन में, आप किसी भी स्मार्टफोन में कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है ठीक है। तो आप किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को। फिलहाल मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ, जय हिंद।